एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया तो आज ऐसे ही एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ मैं और इस प्रोडक्ट को मैंने पर्सनली ट्राई किया है और जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से है मेरे कर्ल्स का एक ब्राइटनिंग क्रीम है और ये सिर्फ फेस के लिए नहीं है इस पर आपको एडवांटेज है कि आप अलग से कोई भी प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा आपको नेक के लिए या फिर आपके बॉडी का पार्ट कोई भी डार्क है उसके लिए तो ये आप इसे नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स हैं तो उस पर भी आप इसे ट्राई कर सकते हो और कोई भी अगर बॉडी का जो आपका इनर पार्ट अगर डार्क है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये प्रोडक्ट मेटोलॉजिकली टेस्टेड है 50 ग्राम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि अगर आप अपने बॉडी के पार्ट पे इसे अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट कोटिटी बहुत अच्छी खासी है इस पर प्राइस बहुत ज़्यादा है फोर है तो कई लोग सोचेंगे कि लें या ना लें मतलब इसे लेने के लिए ले आपको 500 का पत्ता चाहिए इतना मान के चलो ठीक अब रिजल्ट जानेंगे रिजल्ट जान के आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है ठीक है तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको प्रोडक्ट और इसकी क्वान्टिटी भी आप देख सकते हो कि मैंने इसे कितना ट्राई किया है तो ये देख सकते हो बस इतना सा ट्राई किया है मैंने क्योंकि ये फुल था बिल्कुल और इसकी दिखा देती हूँ मैं आपको कि इसका जो फॉर्मूला वो किस किस तरह का है तो हल्का थोड़ा सा क्रीमी और येलो इस कलर है और अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की कि भाई क्लेम तो बहुत कुछ कर रहा है ये कि ये आपके फेस पे नेक पे एल्बो पे और अंडर आर्म्स पे काम करेगा बॉडी के जो इनर डार्क पार्ट हैं उन पे भी ये काम करेगा तो क्या सच्चाई है इसकी तो देखिए इसके जो मेन कंपोजिशन है इसमें लैक्टिक एसिड और कोजिक एसिड है जो जैसी बात है वाइटनिंग एजेंट है तो भाई कुछ तो काम करेगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी में हो तो वो काम करे ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते उनमें कोजिक एसिड प्रजेंट होता है फिर भी वर्क नहीं करते बट ये वर्क करेगा इस प्रोडक्ट को आप दो टाइम अप्लाई कर सकते हो डे टाइम और नाइट टाइम डे टाइम अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि भले ये क्लेम कर रहा है कि डे टाइम इसे अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपको बाहर नहीं निकलना है भले विंटर सीजन आ गया लेकिन भाई धूप तो फिर भी निकलती है ना तो ये वाली जो ठंड वाले धूप होती है ये और भी ख़तरनाक होती तो है स्किन को बहुत तेज़ी से डार्क करती है तो आपको क्या करना है अगर डे टाइम इसे अप्लाई कर रहे हो तो इसके ऊपर से एक लेयर लगा लेना सनस्क्रीन की ठीक है फिर आप इसे आराम से बिना डरे बाहर निकल सकते हो और अगर आपके डार्क स्पॉट हैं तो ये उसको लाइट करेगा आपके स्किन टोन को ये इम्प्रूव करता है आपको रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन अगर किसी का पिगमेंटेशन है मलाजमा है तो वो लोग इससे उम्मीद ना करें कि भाई ये उस पर काम करेगा हल्का फुल्का सा फेड कर सकता है वरना और कोई इसका वक्त नहीं है अगर आपके डार्क स्पॉट हैं और बहुत ज़्यादा जो डार्क होते हैं ना उन पे भी ये काम नहीं करेगा ठीक है ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है ये चीज़ मैंने इस पर देखी है अगर डार्क आराम्स हैं तो उन पे भी आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हाँ भाई इसने लाइट किए हैं तो रिज़ल्ट ओवरऑल इसके रिजल्ट हैं ठीक है दिखेंगे आपको ऐसा नहीं है कि ना दिखें लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है कि भाई मतलब मेरे कल जैसा नाम है इसका तो बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना है कि भाई ये तो बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है रिजल्ट मिलेंगे लेकिन उतने नहीं मिलेंगे आपको ठीक है जितना आप इसके नाम से इस प्रोडक्ट को बाय करोगे क्योंकि पर्सनली मैंने ट्राई किया है अगर इतना ही इस प्रोडक्ट का होता तो मैं इसका और भी अच्छा रिव्यू करती कि भाई सब छोड़ो नोस का छोड़ो पैंट्रम छोड़ो जितने भी जो वाइटनिंग प्रोडक्ट हैं सारे छोड़ो बस मेरे कल ट्राई करो तो रिजल्ट इसके इसी तरह के मतलब अगर आप इसे लोगे तो पछताओगे नहीं आप इस प्रोडक्ट को पूरा अप्लाई कर सकते हो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अप्लाई करना है नाइट में अप्लाई करना डे टाइम आपको इसी को ट्राई करना लेकिन सनस्क्रीन ट्राई करना है ठीक है बाकी रिज़ल्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कई लोग बोलेंगे बहुत घुमा फिरा के बोला है घुमा फिरा के नहीं बोला है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ अगर आपके डार्क स्पॉट हैं जैसे एक लाइट डार्क स्पॉट होते हैं ठीक है और एक कम होते हैं तो जो कम वाले होंगे उस पर तो ये काम करेगा लेकिन अगर किसी के बहुत अंदर तक डार्क है ठीक है तो उस पर यह काम नहीं करेगा जैसे कि यहाँ पर एक मेरा एक्ने हुआ था बहुत बड़ा सा एक्ने हुआ था तो इसका डार्क स्पॉट है अभी भी ये नहीं निकाल पाया इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर बहुत ज़िद्दी डार्क स्पॉट है ना तो उस पर यह काम नहीं करेगा मिलाजमा पिगमेंटेशन पे काम नहीं करेगा स्किन टोन पे काम करेगा डार्क अंडर आर्म्स हैं तो उसको ये लाइट करेगा ठीक है अगर डार्क नेक है आपकी तो उस पर यह वर्क करेगा आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है अब आपको सोचना है कि इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है फिलहाल मेरा ये फाइनल रिव्यू है रिजल्ट के साथ तो मेरा जो रिव्यू होता है वो हम फोकस करते हैं सीधे रिजल्ट पे ठीक है प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है मेन मेन जो कंपोजिशन है वो बता देती हूँ और मेन मेरा रहता है कि मैं रिजल्ट पे फोकस करूँ तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नए प्रोडक्ट के साथ किसी नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाय बाय